नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं, जहां पे इंपॉर्टेंस पॉइंट जितने होते हैं उसको हम इफेक्टिव टाइम में डिस्कशन करते हैं, ताकि जितना समय जरूरी है उतने टाइम में हम जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उसके हम डिस्कशन करें। जरूरी हो तो वो पॉइंट डिटेल में डिस्कशन करता हूँ मैं आपसे सर। इमेज भी यदि जरूरी है तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इससे क्या हो कि इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने में सरलता हो और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आ सकते हैं उसी प्रकार से हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, जिससे कि क्या होगा आपका नोट्स बनाने की या याद रखने की जो सीक्वेंस है वो इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्कशन करते हैं आज का डेली करंट अफेयर एनालिसिस। तो आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंस होता है, स्पेशली इन साइंस एंड टॉपिक जीएस प्रिपरेशन के लिए। तो पहला टॉपिक आया है कोवैक्स इनिशिएटिव पे, ठीक है, जिसमें इंडिया का रोल काफी महत्वपूर्ण है। रीजन है कि इंडिया में जो सीरम इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है, ठीक है, और बाकी काफी इंस्टीट्यूट है जिसकी हमने डिस्कशन की थी कि जो कोविड 19 वैक्सीन बनेगी उसका मास प्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसी सारी जो कंपनियां जो भारत में काम करती है मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उसका रोल काफी महत्वपूर्ण होगा जब कोविड 19 वैक्सीन बन जाएगी। अभी हमने देखा था कि जो कोई भी वैक्सीन है वो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर है, जैसे ही वो सेफ्टी डेटा कंप्लीट हो जाएगी फेज 4 आएगा, उसके बाद उसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। जरूरी क्या है मास प्रोडक्शन होना, क्योंकि मैंने आपको बताया था वैक्सीन बनना बन जाती है तो उसके बाद जरूरी है उसका मास प्रोडक्शन हो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो और जिसको भी जरूरत है वहां तक पहुंचे ग्लोबली। तो ऐसे काफी सारी कंट्रीज है जो खुद से अपनी वैक्सीन भी बना सकते हैं, उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, उसमें इंडिया भी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्री है ना तो वो वैक्सीन डेवलप कर सकती है ना तो मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, तो वो दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहती है जो कि उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो इस इनिशिएटिव को अच्छे से करने के लिए हमने डिस्कस किया था गावी कोवैक्स, ये एक ग्लोबली इनिशिएटिव था जिसका कार्य था कि भाई जो भी कोरोना वायरस की वैक्सीन हो उसका मैन्युफैक्चरिंग करवाना, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, जिससे कि क्या हो सभी के पास वो पहुंच जाए और जितने भी पेशेंट जरूरी है, ठीक है, उनको वो मिल सके। ये कहाँ पे था ये इनिशिएटिव, गावी कोवैक्स के लिए हो रहा था। याद रखना है कोवैक्स कोई वैक्सीन नहीं है, कोवैक्स एक इनिशिएटिव है, ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया जैसी 92 कंट्री एक साथ मिलके कोविड 19 की वैक्सीन बनाएगी। उस वैक्सीन का जितनों को जरूरत है अलग अलग कंट्री में उनको डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, ठीक है, जिससे जो नीडी पेशेंट है उसको मिल सके। तो ये करने के लिए फंडिंग की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो व्यक्ति प्रेजेंट है वो है प्रेसिडेंट ऑफ हेल्थ डिविजन एंड बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन के, इन्होंने फंडिंग किया है किस लिए, ताकि कोविड 19 की जो वैक्सीन है उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। एक टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था कि कोरोना वायरस है वो पेंडेमिक महामारी है, ठीक है, वैश्विक महामारी है। इससे क्या हुआ, जो विश्व एक दूसरे से दूर हो रहे थे, सबको लग रहा था कि भाई हम ही महासत्ता है, ठीक है, वो सबके जो वहम थे वो निकल गए, सब लोग पास आने लगे, सभी को अपनी खामियां पता चली, सभी को अपने फायदे नुकसान सब ज्ञात हुए, ठीक है, हमें कैसे काम करना चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर में, इकोनॉमी में, वो पता चला। और सबसे महत्वपूर्ण था जिसके पास पैसा था उसने डोनेट किया, जिसको मदद की जरूरत थी उसको हेल्प की, ये सब अच्छे से किया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो बिल एंड मलिंडा गेट्स है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक है बिल गेट्स, उनकी वाइफ मलिंडा जो है उनके द्वारा ये पूरा जो फाउंडेशन है, एनजीओ है, जो कार्य करता है, जो नीडी पीपल होते हैं जैसे पुअर चाइल्ड जिनको खाने पीने या कोई भी समस्या है तो उनके लिए कार्य करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस जो इनिशिएटिव है गावी कोवैक्स का जो इनिशिएटिव है उनको पैसा डोनेट किया, ठीक है, ताकि आप लार्ज स्केल पे क्या कर सको, जो कोविड 19 की वैक्सीन है उसको आप प्रोडक्ट कर सको और डिस्ट्रीब्यूशन कर सको इजिली, ताकि सभी के पास वो वैक्सीन पहुंच जाए, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, इसलिए इस इनिशिएटिव में आया है। हालांकि कोविड 19 वैक्सीन को लेकर जब कभी भी कोई अपडेशन आता, आज भी एक और म्यूटेशन का टॉपिक है, वहां पे भी बाकी सारी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे। फिर
फिर यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आई है वाटर बियर के बारे में, ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपी इमेज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, तो माइक्रोस्कोपी इमेज है, यानी जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे और जो दिखता है, यानी ये ब्लू कलर होगा जैसे बैकग्राउंड ब्लैक है। तो मैं आपको इसकी जो कलर पिक्चर है वो दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये छोटी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको बड़ी दिख रही है, बड़ी नहीं है, एकदम छोटी है, इसको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, ठीक है, ये अपने आंखों से हम देख नहीं सकते। अभी इसकी खासियत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, तो इसके बारे में पता चलेंगे। आप देख सकते हैं इसके छह पैर है, आगे ये मुंह है, पीछे इसका पीछे का भाग होगा जो यहाँ पे पिक्चर में यहाँ पे इस प्रकार से है। अभी जो आप स्क्रीन में सामने देख रहे थे वो ये मुंह वाला भाग है और ये उसका पीछे वाला भाग है, ये छह पैर है, देख सकते हैं, तीन इस साइड तीन इस साइड, ठीक है, वो पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने आपको सेपरेटली पिक्चर दिखाई। अब डिस्कस करते हैं वो न्यूज में क्यों। सबसे पहले समझिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है, वो बॉइलिंग वाटर में जिंदा रह सकती है, जबकि आपको पता होगा यदि आप वाटर को बॉइल कर लेते हो तो जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी वो मर जाएगी, ठीक है, लेकिन ये बॉइलिंग वाटर में भी जिंदा रह सकती है। और महत्वपूर्ण बात, 10 साल तक इसको एक भी बूंद पानी ना मिले तब भी ये जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, यानी ये ऐसा जीव है कि जो बिना पानी के रह सकता वो भी 10 साल तक। और 5 मैसिव एक्सटिंक्शन, ठीक है, यानी मान लो लुप्तता वाले 5 बड़े बड़े कोई भी समय है उसमें सर्वाइव किए हुआ है, ठीक है, और इसको 15 मिनट यूवी एक्सपोजर में रखा गया, उसके बाद भी वो 30 दिन तक जिंदा है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसा कि आपको यूवी रेज वाला पता होगा कि यूवी रेज में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, इसीलिए आपको आपको पता होगा जहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं होना देना है उस एरिया में यूवी रेज रखते हैं या यूवी रेज पास करते हैं, उसकी रेडिएशन पास करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो मर जाए। लेकिन यहाँ पे 15 मिनट तक हाई यूवी रेडिएशन उस पे रखा गया फिर भी ये जिंदा थे, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। ये इंसान को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपसे मेनली बात करूँ तो हमारा जो ओजोन लेयर है वो सन से आने वाली जो हैवी यूवी रेडिएशन है उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर वो यूवी रेडिएशन आता नहीं है। यूवी रेडिएशन की वजह से क्या होगा तो जीन म्यूटेशन हो जाएगा सभी का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मर ही जाएगी, इंसानों के लिए भी जिंदा रहना मुश्किल है, और जैसे स्किन इन्फेक्शन हो गया, काफी सारी प्रॉब्लम होगी यदि यूवी रेडिएशन पृथ्वी पे आता है तो ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा यही सारे जो वाटर बियर के जो खासियत है, ठीक है, स्पेशलिटी बोलेंगे हम उसको, कि एक ऐसा जीव है कि जो यूवी रेडिएशन में भी जिंदा रह सकता है। तो हमारे जो बेंगलुरु रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे तो हम पता करेंगे। उसका साइंटिफिक नाम है पेरा माइक्रो बायोटस, बराबर, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ, आप देख सकते हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है आप पढ़ लेना, जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी इस पे रिसर्च हो रहा है कि इसमें ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इसकी इतनी सारी कैपेसिटी है। सेम स्पाइरल गैलेक्सी में जो स्टार फॉर्मेशन हो रहा है, गैसीय स्टार फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, स्टार फॉर्मेशन, स्टार कैसे कैसे फॉर्म होते, ब्लैक होल कैसे फॉर्मेशन होता है, वो मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ। स्टार फॉर्मेशन क्या है, उसमें नो गैस स्टार फॉर्मेशन क्या है, गैस स्टार फॉर्मेशन क्या है, वो मैं डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, उसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे दिया गया है। जो बच्चों ने पुराने लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा, नए बच्चे हैं वो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको इंजीनियर नहीं बनना है स्टार का, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है सिंपली चार्ट जो मैंने काफी बार आपसे डिस्कस किया हुआ है वही खाली याद रख लेना, रेड जायंट, सुपरनोवा, ठीक है, वो आपको खाली पता होना चाहिए। फिर डिस्कशन करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग डिटेल आई है, वो आई है मून की मैग्नेटिक फील्ड को लेकर, वो डिस्कशन कर लेते हैं क्या है मून मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पे जो लूनर क्रस्ट की बात की गई है और बात की गई है कि जो मून का मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ जैसा नहीं है, ठीक है, वहाँ पे लूनर क्रस्ट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलता है, हालांकि इतना स्ट्रांग नहीं है जितना पृथ्वी का है, लेकिन है तो सही। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में जो मून है उसका जो कोर एरिया है जहाँ पे सॉलिड आयरन है वो है, और उसके अगल बगल में है जो आउटर कोर एरिया जो मेटल्ड है, ठीक है, जैसे हम पृथ्वी की बात करें तो निफे और जो लावा वाला जो एरिया है, ठीक है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे यही है,
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के लूनर क्रस्ट के जिसके ऊपर हम जब ये अपोलो मिशन यान जो लैंडिंग हुआ था, ठीक है, तो उसके सैंपल में जो मैग्नेटिक फील्ड के जो सक्यताएं मिली थी, ठीक है, उसका डिस्कशन यहाँ पे डिटेल में किया गया है, स्पेशली अपोलो सैंपल जो आया था लूनर क्रस्ट वाला, ठीक है। यानी इतना समझ लो, ये कहना ये चाहता है कि भाई मून के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के जैसा नहीं है। रीजन सेम है, वहां पे भी जो कोर एरिया सेंटर में है वहां पे मेटल आयरन है, ठीक है, और वहां पे भी जो मेटल कोर एरिया है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। आपको पता होगा कि जहां पे भी सेंटर में यदि लावा मैग्मा है और उसका रोटेशन है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हालांकि पृथ्वी की तरह बड़ा और इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, अट्रैक्शन इतना नहीं है, तो जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पे इतना नहीं है, लेकिन मून में खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है जो कोरोना वायरस है उसमें जो D614G म्यूटेशन देखने को मिल रहा है उसके बारे में डेटा है, अप्रैल 1 से मई 8 का। क्या डेटा है वो समझ लीजिए। यहाँ पे मेनली एक स्ट्रक्चर दिया गया है स्पाइक प्रोटीन का, ठीक है। स्पाइक प्रोटीन आपको पता होगा जो कि हम COVID-19 का वायरस देखे तो उसके ऊपर एक हम जो इस प्रकार से हम उसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है, ऐसे जो है मान लो कि वायरस है उसके वायरस के ऊपर ही ऐसे जो हम COVID-19 के दिखाते हैं भाई उसके ऊपर ऐसे स्पाइक प्रोटीन। उसमें तीन चेन है, चेन ए, चेन बी, चेन सी, ठीक है। ये चेन है जो बाइंडिंग करती है ACE2 रिसेप्टर जो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन समझने से पहले पूरा ये कनेक्शन समझ लेते हैं D614 जीन क्या है, ठीक है, म्यूटेशन क्या है। तो एक चीज आपको पता होगी, जब कभी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वायरस नहीं बैक्टीरिया कोई भी, तो जैसे ह्यूमन बॉडी में आता है तो ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर दाखिल होता है, ठीक है। दाखिल होने के बाद वो अपने 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पेरेंट्स होंगे और ये रहेंगे चाइल्ड, ये पेरेंट्स और ये रहेंगे चाइल्ड। जैसे कि यहाँ से एक में से जो 2 बनने की घटना है उसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और जैसे ही बॉडी में आते हैं, बॉडी में जो भी एनर्जी वाटर होगा उसका इस्तेमाल करके एक में से दो बनना शुरू हो जाएंगे, जिसको मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, कॉपी सिस्टम कहते हैं, 1 से 2, 2 से 4। तो ये जो कॉपी सिस्टम है इसमें क्या होता है कि भाई यदि उसमें D614G म्यूटेशन हो जाता है तो ये कॉपी सिस्टम है उसमें एरर आ जाती है, ठीक है, उसका मल्टीप्लीकेशन हो नहीं सकता। डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि जब भी डी यानी एस्पार्टिक एसिड 1/4 पोजीशन पे जो ग्लिसरीन है एमिनो एसिड है उसके साथ जब जुड़ जाता है, ठीक है, तो D614G कॉम्बिनेशन बन जाता है और म्यूटेशन हो जाता है, इससे इसके जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें एरर आ जाता है। एम मैंने बात की थी, ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, ठीक है, बाइंड होने के बाद वो सेल के अंदर दाखिल होंगे, सेल के अंदर वाटर भी होगा, एनर्जी भी होगी, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक सेल डेड हो जाएगा जिस सेल में ये गए हैं, उसके बाद उनका फैलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो अप टू मार्क यानी इतने मल्टीपल हो जाएंगे, लाखों करोड़ों में हो जाएंगे, तो बॉडी को ये क्या कर देते हैं, बॉडी को ये इफेक्ट कर लेते हैं और बॉडी में हमको सिम्टम्स दिखते हैं जो सर्दी खांसी फीवर हेडेक वाली जो सिम्टम्स दिखने लगते हैं वो। हालांकि आपको ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ सिंपली याद रखनी है, यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, ठीक है, मेंस में इसमें क्वेश्चन आ सकता नहीं है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन में इतना ही याद रखना है, D614G म्यूटेशन क्या है, ये कोरोना वायरस में है, इससे कोरोना वायरस के म्यूटेशन में चेंज आता है। हालांकि वायरस में म्यूटेशन आने के रीजन काफी है, उसमें से एक है कि वायरस अपने आप को अच्छा करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कोई भी कंडीशन में सर्वाइव हो जाए। मान लो कि अभी हम जो वैक्सीन की बात की है वो वैक्सीन हम अभी बना रहे हैं पुराने सैंपल लेके, जब तक वैक्सीन बने वो लोगों को हम दे, ठीक है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि भाई वायरस तो म्यूटेट हो गया, इस वैक्सीन से तो उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, पहले वो ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा था, ठीक है, अभी उसके साथ बिना बाइंड होते ही वो सेल में दाखिल हो रहा है, तो ये म्यूटेशन वायरस करते ही रहते हैं, ठीक है, उससे क्या हो, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन हो यानी ये पेरेंट जनरेशन है, ये नेक्स्ट जनरेशन है, चाइल्ड जनरेशन, वो सर्वाइव कर सके। इसका एग्जांपल हमने एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड के स्वरूप में देखा था कि ऐसी काफी सारी पेस्ट है जिसके ऊपर मान लो कि आज कोई पेस्टिसाइड काम कर रही है, ठीक है, लेकिन हम जनरेशन तो जनरेशन आगे बढ़े तो ऐसी जनरेशन आएगी जिस पे ये पेस्टिसाइड कोई काम करेगी नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होने का जिम्मेदार है म्यूटेशन, ठीक है, यानी वो अपनी जो जीन है, अपनी जो
चीजें हैं ठीक है, उसको वो प्रोटेक्ट करते रहते हैं ताकि उसको कोई भी इन्फेक्शन ना हो, किल ना हो, ठीक है, वो सर्वाइव कर सके। तो आज के लिए इतना ही, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की हुई है, ठीक है, और जो भी बच्चे नए हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली बेस पे द हिंदू लेक्चर आपके पास आते रहेंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।